पीछे आप देख सकते हैं, ये है अमिताभ बच्चन सर का घर। और आज हम आपको टूर कराने वाले हैं अमिताभ बच्चन सर के घर का टूर, और पूरा डिटेल में बताने वाले हैं इनके घर के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदर्श और आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में और अपने चैनल में। और मेरे साथ है ब्रिजेश और साजन। तो बनिए दोस्तों, आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आप मुंबई वगैरह आप रहते हैं तो कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं अमिताभ बच्चन सर के घर पर, और बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं आप, कितना खर्चा आपका बैठ सकता है और क्या क्या सुविधाएं इनके घर में हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं, आपको मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूं बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जस्ट जो रोड है इसी के जस्ट सामने अमिताभ बच्चन का घर है, ये बंगला आप देख सकते हैं। और बहुत ही महंगी सोसाइटी में इनका बंगला है, और जुहू बीच के एकदम समझ लीजिए बगल में है। देख सकते हैं ये रोड है और रोड के बगल में ही इनका जो है घर है। और दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है पटेल चौक, यहाँ पे आपको उतरना है। अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे तो आप पहले अंधेरी बेस्ट में आ जाइए, और बेस्ट से आपको व्हीकल करना है। व्हीकल करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, पटेल चौक है पटेल चौक के नाम से, और यहाँ पे आपको उतर जाना है। और जस्ट सामने आपको इनका जो घर है बंगला, यहाँ पर आपको मिल जाएगा और आप आके आसानी से घूम सकते हैं। और कुछ नहीं, आप मुंबई में कहीं भी रहते हैं तो आपके पास अगर 500 रुपये है तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, आप जुहू बीच का भी आनंद ले सकते हैं और बंगलो भी इनका देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इनके घर का जो है नाम लिखा है जलसा, जो कि हिंदी में लिखा है। और इनके देख सकते हैं गार्ड लोग, सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हैं, सुरक्षा एकदम बहुत ही भारी की गई है। यहाँ पर दीवार आप देख सकते हैं, ये फर्नीचर से बनाया गया है कि कोई मतलब चढ़ ना जाए। और इनके घर के सामने देख सकते हैं मटका इतना भारी रखा गया है कि इनके फैंस अगर आते हैं तो आके पानी उनी पी सकते हैं। और ये गेट आप देख सकते हैं, गेट कितना बेहतरीन गेट लगाया गया है वो फर्नीचर का, और बहुत ही मानी जानी एरिया में इनका देख सकते हैं दोस्तों। इनके फैन जो है आने स्टार्ट हो गए हैं, हम लोग दोपहर को आए थे लेकिन ये शाम को निकलने वाले हैं आज 5:30 पर, शायद 5:30 से 6 बजे के बीच में। तो इनके फैंस जो है अभी से यहाँ पर जो है भीड़ जुटने लगी है, और देखते हैं अभी कभी तक निकलते हैं। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं अभी आपको दिखाने के लिए, तो अभी निकलते हैं। और देख लीजिए प्रशासन भी, जो मुंबई पुलिस है वो आ चुकी है यहाँ पे, और अभी हो सकता है कुछ टाइम में निकलेंगे तो आपको दिखाते हैं। फिर बने रहिए वीडियो मस्त, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका भाई जो है बहुत ही मेहनत करके और बहुत मशक्क़त के साथ वीडियो बनाता हूँ मैं। और देख सकते हैं तो दोस्तों भीड़ बढ़ती जा रही है और गाड़ियाँ जो हैं वो एकदम फंस चुकी हैं जाम में, बहुत ही पब्लिक दिख लीजिए, सभी लोग बैरियर यहाँ पर बैरियर लगा रहे हैं ये लोग, अभी शायद तैयारियाँ हो रही है निकलने की। और देख लीजिए दोस्तों, ये इनके फैंस अपना इनका जो पोस्टर बनवा के लेके आए हैं, इनकी जो भी मूवी इन लोगों को पसंद आई होगी वो मूवी छाँट छाँट के इस पर ये प्रिंट करवाए हैं और लेके आए हैं। और देख सकते हैं प्रशासन और इनके पर्सनल वीडियो कैमरा वाले सब आ चुके हैं, शायद अब निकलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। और देख सकते हैं भीड़, इतनी भीड़ यहाँ पे मुंबई में होना, बताइए कितना उम्र होने के बाद इनके फैंस, देख लीजिए पूरा रोड ही जाम हो गया है अब बहुत ही भारी तादाद में, और मैं भी इसमें फंसा हूँ समझ लीजिए बहुत बुरी तरीके से। लेकिन अभी आप लोगों को दिखाना है, इसके लिए मैं भी लाइन में लगा हूँ। अभी देख लीजिए थोड़ा पब्लिक पूरा एकदम, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे पब्लिक देख लीजिए परेशान है एकदम देखने के लिए अमिताभ बच्चन को, क्योंकि बहुत ही बड़े स्टार हैं और इतनी उम्र में केबीसी में जानते होंगे कौन बनेगा करोड़पति में के बैंड अम्बेस्टर है ये, और शो चलाते हैं। और इनका बंगला देख सकते हैं, इनका मुंबई में 5 बंगलों है और इनकी बहुत बड़ी संपत्ति है, और ये एक एड करते हैं तो उसका चार्ज करते हैं 5 करोड़ रुपये। दिखा रहे हैं कि हम आ चुके हैं, और देखिए इनको अभी स्वस्थ मस्त अभी एकदम बिल्कुल लग रहे हैं, खाली बस यही है कि थोड़े बूढ़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी लग रहे हैं एकदम हेल्दी। देख लीजिए हम भी बहुत मशक्क़त के साथ आप दिखा रहे हैं, देख लीजिए पब्लिक पूरा एकदम बहुत ही प्रेशर दे रही है पूरा पीछे से, लेकिन अभी वीडियो बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा भाई आपके लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतना तो बनता है
इतना परिश्रम करने के बाद। और देख लीजिए अभी दरवाज़ा बंद भी हो जाएगा, कुछ एक मिनट के लिए दरवाज़ा खुला था, देख लीजिए एक मिनट के बाद दरवाज़ा बंद भी हो गया। अभी चलो अपने घर, देख लीजिए पब्लिक अपने अपने घर के लिए निकल रही है। और देख लीजिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, सब लोग जा रहे हैं, अब सब लोग निकले अपने घर के लिए। और अगर आप यहाँ पे घूमने के बाद आप जुहू बीच भी घूम सकते हैं बहुत अच्छी तरीके। तो फाइनली दोस्तों एकदम हालत ख़राब हो चुकी है और भीड़ में देख सकते हैं आप कितना पब्लिक था वहाँ पे, और भीड़ जो है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं उसको, उसको हल्का फुल्का नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही भीड़। और पसीने से सब भीग गया कपड़ा उपड़ा, आपके लिए सिर्फ मेहनत कर रहे हैं हम। और ये लोग भी, ये परेशान हो गया, ये भी परेशान हो गया, एकदम से प्यास और सब लग गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अमिताभ बच्चन हैं तो बड़े स्टार, अभी भी उनकी उम्र इतनी होने के बाद भी आज देख रहे हैं उनके फ़ैन जो है मर रहे हैं उनके लिए, समझ लीजिए। और हम भी आए थे वीडियो बनाने के लिए तो हमको भी मरना पड़ा आपके लिए। तो चलिए वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को हमारा लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको कहाँ का वीडियो देखना है, हम जरूर बना के आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।